टिक्नोमेट्री, टिक्नोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है। ट्राई मतलब होता है साइड्स, तीन तीन, ट्राई मतलब थ्री, ठीक है ना। गॉन गॉन मीन्स साइड्स, ठीक है ना। गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो साइड्स के मेजरमेंट की बात करेंगे किसी भी ट्राइंगल के, वो हम किस में करेंगे, टिक्नोमेट्री के अंदर करेंगे, ठीक है। यह एक ग्रीक वर्ड है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओ एक्स आपकी इनिशियल लाइन है और ओ वाई आपकी टर्मिनल लाइन है। थीटा जो है एंगल है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। क्वाड्रेंट आपको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे पहले हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन में किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे 90 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में करना है तो इसको पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टू बार कैंसिल हो जाएगा, 90 से 180, ठीक है, तो पाई बाय 2 रेडियन आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब 180 डिग्री है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा तो पाई रेडियन हमको मिल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन की, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री होता है, ठीक है। जैसे पाई बाय 2 है तो इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 180 2 से 90 बाई कटेगा, ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई इंटू 180 बाय पाई आप करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 इंटू 2 360, यानी कि 360 डिग्री होता है आपका 2 पाई। 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं डिग्री में, 360 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशो की। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिस पे B पे राइट एंगल बन रहा है, यानी B जो है 90 डिग्री है, और ये एंगल आपने थीटा मान लिया। थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। AC इज़ योर हाइपोटेनियस, AB इज इक्वल टू बेस एंड BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। सो बेसिक ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, एंड ये होता है आपका 1/cosec θ के इक्वल, ठीक है। उसके बाद आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया cos थीटा, ये आपका होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec θ। नेक्स्ट आता है बेस अपॉन, नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, तो ये हो गया आपका tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/cot θ, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और 1/tan θ भी जो है cot थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, साइन cosec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, और cot sec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। अब sec थीटा आपको पता ही है कि 1/cos θ होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, और cosec थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो cosec थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 1/sin θ, ठीक है। ये टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, बेसिक टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद रखनी है। 1+tan²θ इज इक्वल टू sec²θ, sin²θ प्लस cos²θ इज इक्वल टू 1, एंड 1+cot²θ इज इक्वल टू cosec²θ। वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला आप सारे नोट कर लीजिए, बेसिक फॉर्मूला है ये, बिल्कुल आपको याद रखने हैं,
ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो और 11th 12th की नीट और जेई में ये काम आते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम सम स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। सो साइन थीटा की आपको बस स्टार्टिंग की ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है, 0 to 90 वाली, कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको छोड़ करके यहाँ से ये सारी रिवर्स में लिख देनी है, √3/2 1/√2 1/2 और 0, राइट। उसके बाद आपको लिखना है कॉस थीटा, तो यहाँ से ये रिवर्स करके लिख दीजिए, जैसे ये 0 है यहाँ से लिख देंगे हम, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आ गया, ये √3/2 है तो यहाँ √3/2 आ गया, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 आ गया, यहाँ 1/2 है तो 1/2 आ गया, यहाँ 0 है तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसको हमने रिवर्स करके लिख दिया यूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं कि क्या करना है हमको, कि 0 को छोड़ देना है और इन सबको लिखना है किसके साथ, माइनस साइन के साथ, हमने यहाँ पर ये लिख दिया इनको, ठीक है। तो माइनस 1/2 आ गया, माइनस फिर ये वाला लिखेंगे हम यहाँ पर तो माइनस 1/√2 आ गया, ये वाला लिखेंगे हम यहाँ पर तो माइनस √3/2 आ गया और यहाँ पर माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है, तो इनका डिवीज़न कर लेंगे हम, इसको डिवाइड करके लिख लेंगे, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, 1/2/1/√3 क्या होता है, 1/√3/2 क्या होता है भाई, 1/2/√3/2 क्या हो जाएगा आपका, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करके लिख लेंगे, तो ये 1 बन गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 बनेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ से वापस रिवर्स करके आप लिख दो माइनस साइन के साथ इधर, तो ये आ गया √-√3, ये आ गया -1, ये आ गया -1/√3 और 0 का 0, 0 लिखो या -0 लिखो एक ही बात है ना, 0 ही रहेगा वो। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करके हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी आपकी, जैसे 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, 1/1/√3 करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, और sec थीटा की बात करेंगे तो ये क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो रेसिप्रोकल करके इसको हम लिख देंगे यहाँ पर sec थीटा में, ठीक है। तो 1/1 तो 1 हो गया, 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल करके यहाँ हमने sec थीटा लिख दिया। सिमिलरली cosec थीटा हमारा होता है 1/sin थीटा, cosec थीटा हमने अभी पढ़ा था, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो sin थीटा वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको रेसिप्रोकल करके हम cosec थीटा में लिख देंगे। जैसे 0 है तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। सो हम इस तरीके से 0 to 180 डिग्री तक आपकी पूरी हमने टेबल बना ली। तो ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, और किस तरीके से ये टेबल बनानी है वो ट्रिक भी हमने आपको बता दी, तो वीडियो पॉज करके टेबल नोट कर लें। नेक्स्ट आता है आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हमको ये याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये हो गया ए एस टी और सी, ये चीज़ आप याद रख लो, ए एस टी सी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे
बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होंगे। तो ये चीज़ आपको पहले बेसिक आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका ज़ीरो आता है, यहाँ पे 90 डिग्री आता है, यहाँ पे 180 डिग्री आता है, यहाँ पे 270 डिग्री आता है। ठीक है, अब जैसे मेरे को निकालनी है वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा, तो ये है आपकी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है कि साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कोस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, टेन थीटा कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ साइन थीटा कोस थीटा में हो गया, कोस थीटा साइन थीटा में हो गया, टेन थीटा कोट थीटा में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके साइन की। जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा बोला है, तो साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो साइन का साइन तो आ गया पॉजिटिव, और साइन थीटा कन्वर्ट हो गया आपका कोस थीटा में, किस में, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, तो 90 माइनस थीटा आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोस थीटा कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में। ठीक है, सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 माइनस थीटा, टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन आ गया, और टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, जब वाई एक्सिस के करोस्पॉन्डिंग आपका एंगल होता है। जैसे 90 प्लस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना, 270 प्लस थीटा हो गया, 270 माइनस थीटा हो गया। तो इन केसेस में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, और साइन जो आप लोगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आप ले लोगे। ठीक है ना, तो सिमिलरली साइन 90 प्लस थीटा की हमने बात करी, तो 90 प्लस थीटा जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, साइन जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए साइन का साइन तो पॉजिटिव आ गया, और ये इस वाई एक्सिस के करोस्पॉन्डिंग है, इसलिए साइन किस में चेंज हो गया, कोस में चेंज हो गया। ठीक है, ये भी दोनों आपके किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन कोस और टेन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस का साइन आया है, और कोस चेंज हो जाता है साइन थीटा में, और टेन चेंज हो जाता है आपका कॉट थीटा में। ठीक है, इसी प्रकार अब आप लेंगे एक्स एक्सिस की तरफ हम देख रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस में क्या हो गया, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा की बात करूंगा। तो 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा तो आपका क्या होगा, इसमें नेगेटिव का होगा, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है ना, और ये वाली जो एक्सिस पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। सिमिलरली हम बात करेंगे यहाँ पर कॉस थीटा की, थर्ड क्वाड्रेंट ही है, 180 प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, और कॉस थीटा जो है कॉस थीटा में ही रहेगा, क्योंकि कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन प्लस का ही रहेगा, और टेन थीटा में ही रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली अब 180 माइनस थीटा की बात करी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम ही रहेंगे, साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, सिर्फ अब क्वाड्रेंट आपका चेंज होकर के सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी आपका नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर इसका साइन भी आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं हुए, वो सेम के सेम ही रहेंगे।
सिमिलरली अब हम यहाँ देख रहे हैं साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि थीटा आप यूँ ले रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जब माइनस थीटा आएगा तो माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होते हैं, तो ये कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा और सेक वाला भी आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी साइन और टेन का जो साइन है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, और ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन ही रहा और कोस का कोस ही रहा और टेन का टेन ही रहा। ठीक है, क्लियर? तो वीडियो को पॉज करें और ये सारे फॉर्मूले नोट कर लें, और ये बेसिक चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग ये सारे निकल जाएंगे आपके। नेक्स्ट आपका आता है साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 आपका आ गया प्लस थीटा आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है और साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोस में। ठीक है, इसी तरीके से कोस 270 प्लस थीटा ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कोस जो है पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव आ गया और साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम या नेक्स्ट आता है आपका टेन 270 प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो है नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन यहाँ पर आया है और टेन कन्वर्ट हो गया आपका कोट के अंदर, तो टेन 270 प्लस थीटा जो है वो हो गया माइनस कोट थीटा। नेक्स्ट आता है 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आ गया और साइन जो है कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा जो है कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली कॉस 270 माइनस थीटा ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आ गया। ठीक है, और कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस साइन थीटा हो गया इसका। नेक्स्ट आता है टेन 270 माइनस थीटा, ये वापस से आपका आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आपका पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का साइन आ गया और टेन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये आपकी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपका जो है चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर इधर भी दोनों में ही 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा और साइन जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आप लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर हमको साइन 765 डिग्री की वैल्यू बतानी है, 765 को हम लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट, स्प्लिट करके हमने लिख लिया। अब हम जानते हैं इधर क्या होता है, 0 डिग्री 360 डिग्री और 720 डिग्री है ना, 720 डिग्री इधर ही होता है इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो 720 प्लस 45 करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव रहता है और एक्स एक्सिस है तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री आ जाएगा, और वी नो दैट साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है ही सही। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आई, यानी कि एन की जगह एन कहाँ होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 आ गई। सिमिलरली हमको क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, कोसेक -1410 डिग्री का निकालना है आपको, तो कोसेक इसको क्या लिख सकते हैं, -1440 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया,
अब ये हम देख रहे हैं कि ये मल्टीपल है 360 डिग्री का, ठीक है ना। ये जो चीज़ है ये मल्टीपल है नंबर इस नंबर का 4 × 360 डिग्री। तो कोसेक 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा जो होता है, कोसेक थीटा होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आई। सो ये क्या हो जाएगा आपका, कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2। नेक्स्ट आता है आपके पास 19 पाई बाई 3। तो 19 पाई बाई 3 को हमने कैसे लिख लिया, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। एलसीएम हम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 18 पाई प्लस पाई। तो ये आपका आ गया ना 19 पाई बाई 3। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब 6 पाई जो होता है वही 360 का मल्टीपल हो गया। तो tan 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया, tan 3 × 2π + θ। तो ये आपका हो गया 10π/3, और 10π/3 होता है आपका √3। सिमिलरली हमने cos 930 डिग्री का भी लिख लिया। तो हम जानते हैं cos 360 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल है, तो ये भी cos थीटा के इक्वल ही होगा। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, cos 3 × 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास cos 360 डिग्री इंटू एन माइनस थीटा। तो वो cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो cos 150 डिग्री आ जाएगा। फिर अगेन cos 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस cos 30 डिग्री, यानी कि माइनस √3/2, ठीक है ना। क्योंकि cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos 30 डिग्री आया, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो माइनस का √3/2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है साइन ए प्लस माइनस बी। ये होता है साइन ए cos बी प्लस माइनस cos ए साइन बी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है cos ए प्लस माइनस बी। तो वो ये होता है cos ए cos बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि यहाँ जब प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस लेना है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस लेना है, ठीक है। और cos वाले फॉर्मूले में क्या होगा, ऊपर प्लस होगा तो इधर माइनस लेना है, और नीचे माइनस है अगर इधर, तो इधर जो है आपको प्लस लेना है, ठीक है। तो साइन का यहाँ ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है, टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन 1 − 10a 10b। यानी कि ऊपर प्लस लेंगे तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, और अगर ऊपर माइनस, यहाँ पे माइनस है अगर, तो यहाँ पर ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले बनेंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका टेन पाई बाय 4 प्लस माइनस ए। तो ये हो गया 1 + −10a अपॉन 1 − 10a। अब यहाँ पर हमको निकालनी है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री में 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर आ गया साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। फिर वैल्यूज़ हमने पुट करी, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया √3 + 1/√2। सिमिलरली 10 15 का भी हम निकालेंगे। तो 10 15 का हम देख रहे हैं यहाँ पर, 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये अब बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में ऊपर भी माइनस ही लेंगे हम,
तो यहाँ हमने क्या करा, 1 माइनस 1030 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1030 डिग्री। 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, वो वैल्यू हमने पुट करी, देन फाइनल आंसर आया हमारे पास √3 - 1 अपॉन √3 + 1। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास दे रखा है sin²π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sin²π/6 cos²π/3 -tan²π/4, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपली इसकी वैल्यू हमको टेबल याद है, वो टेबल से हमको यहाँ वैल्यू पुट करनी है और हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/2, इसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए स्क्वायर आ गया, यहाँ भी 1/2 लिखा, इसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए स्क्वायर आ गया, और यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये 1/4 + 1/4 - 1 आ गया, यानी कि माइनस का 1/2 आपका जो है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना।